जाऊंगी कि करवा चौथ की मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और मैंने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या पहले से मेरे पास रखा हुआ है जो कि मैं नहीं लेके आई हूँ, लेकिन क्या पहनने वाली हूँ मैं, तो सारी चीजें अभी दिखाऊंगी आपको कि क्या लेके आई और क्या पहले से था और क्या पहनने वाली हूँ मैं करवा चौथ पे, ज्वेलरी से लेके कपड़ों से लेके सारी चीजें। तो चलिए दिखाना स्टार्ट करती हूँ। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या लिया मैंने। सबसे पहले ये बन दिखाती हूँ, जूड़ा मेरा। ये मैं एक मतलब आर्टिफिशियल जूड़ा है, ये देखिए इस तरीके से लग जाता है आराम से। मैंने वैसे मैं खुद से जूड़ा वगैरह बना लेती हूँ लेकिन खुद का नहीं बन पाता अच्छे से। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, पार्टिसिपेट भी कई मतलब उसमें किया है कि ब्यूटिशियन का, तो उसमें मुझे प्राइज भी मिला है जूड़ा मेकिंग के लिए। लेकिन ये काफी मतलब खुद का बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है और बाल भी छोटे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल मिल रहा था मुझे और बहुत सुंदर लगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आपको कहीं भी जैसे राजस्थान ड्रेस के साथ तो नहीं, साड़ी के साथ में कभी भी जैसे साड़ी वियर करो तो आराम से इसको बनाए और बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा है और इजिली बस हल्के से बाल अपने मोड़ो और इसको लगा लो, छोटे बड़े जैसे भी हो आराम से लग जाता है। तो ये 250 के अराउंड मतलब उन्होंने बोला था लेकिन ये बार्गेनिंग करके 200 का दे दिया। उसके बाद आती है बारी ये दो फ्लावर, रोज वाले फ्लावर लेके आई, क्लिप फ्लावर क्लिप है रोज क्लिप, तो ये वाली कभी भी इस तरीके से साइड में लगा लो इसे, इसे फ्रेंच बनाते हैं तो अच्छी लगती है ये। तो ये दो ही लेके आई, जो चीज मुझे लगा कि लेना चाहिए वही लेके आई। एक ये हेयर क्लिप ले ली थी बेटी के लिए, मेरे लिए नहीं कि चलो कभी इंडियन ड्रेस पहने मतलब सूट वगैरह कभी पहनेंगे उसके साथ अच्छा लगता है, वैसे तो टी शर्ट लोअर ही पहन के रखती हूँ ज्यादा। उसके बाद जो सामान मेरे पास था ऑलरेडी पहले से वो नहीं लिया मेकअप का मैंने, जैसे काजल खत्म हो रहा था ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत था वो लेके आई है मैं, काजल लेके आई अपना। और उसके बाद ये हमेशा मैं करवा चौथ लेके आती हूँ काजल और सिंदूर, ये छोटी मोटी चीजें तो देखती हूँ। ये सिंदूर है लिक्विड रेड कलर का। उसके बाद ये लिपस्टिक ली मैंने ये वाली, और काफी अच्छी क्रीमी है ये, काफी बढ़िया लिपस्टिक है, मैंने टेस्ट की घर में आके तो काफी बढ़िया है। एक ये वाली लिपस्टिक ली और ये एक मतलब मेरा फाउंडेशन खत्म हो रहा था थोड़ा बहुत था और इसीलिए प्राइमर और फाउंडेशन ये चीजें लेके आई, बाकी जो चीज मेरे पास थी कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह जो भी कंसीलर वगैरह वो नहीं लेके आई मैं, क्योंकि जो चीज जितनी जरूरत होती है उतनी लेना चाहिए। इसका जरूरी नहीं कि हमेशा हर बार हम खरीदें हर करवा चौथ पे या किसी पे भी, क्योंकि ये चीजें जल्दी एक्सपायर हो जाती है और कॉस्टली काफी आती है, मतलब किसी भी अच्छी ब्रांड का लोगे तो काफी कॉस्ट का आता है, महंगा आता है। तो इसी वजह से मैं तभी लेती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज खत्म हो गई है और लेनी चाहिए, या फिर कभी ऐसा होता है कि यूज इतनी नहीं हो पाती एक्सपायर भी हो जाती है, तो ये स्किन के रिलेटेड चीजें एक्सपायर यूज नहीं करनी चाहिए कभी भी, इसलिए लेके आती हूँ। तो ये दोनों चीज मेरी खत्म हो गई थी इसलिए लेके आई। और दो लिपस्टिक ये वाली अभी मतलब इनके साथ मेरे कुछ दिन पहले गई थी तो लेके, ये एक लैक्मी की लेके आई, एक स्विस ब्यूटी, ये दोनों ये भी मतलब रेड कलर में है, थोड़ा अलग अलग डिफरेंस के साथ में। रेड मैं कम ही लगाती हूँ कभी कभी, कुछ ओकेजनली जैसे कुछ फंक्शन वगैरह है मतलब कपड़े के हिसाब से उसके साथ जा रही है नहीं जा रही तो लगाती हूँ, वैसे नॉर्मल मैं रेड कलर में कम लगाती हूँ। तो ये दो लेके आई और एक ये बिंदी का पत्ता छोटा, वैसे तो प्लेन लगाती हूँ मैं ज्यादातर, ये सिंपल प्लेन मतलब। और ये मेहंदी वाले कौन दो तीन ये लेके आई मेहंदी के, एक नेल पेंट लेके आई ये वाला गोल्डन वाला, बाकी कलर बहुत सारे थे। रेड तो मेरे पास इतने वो रखे हैं क्योंकि मैं यूज कम करती हूँ रेड कलर और फिर वो रखे रह जाते हैं। और ये वाली चूड़िया मैं पहले से ही थी मेरे पास, मैं चूड़िया बहुत सारी रखी हुई है कंगन वगैरह तो ज्यादा नहीं लाई, तो ये भी एकदम फ्रेश है और भी रखी है फ्रेश चूड़िया जो मैंने की यूज नहीं किया है, मेरी सासू माँ ने दे दी थी, मम्मी के घर गई तो वहां से मिल गई मुझे, तो ये भी पहले से ही रखी हुई भाभी ने दी थी मुझे, तो सिर्फ ये वाली लेके आई हूँ मैं दो कंगन, ये मुझे पसंद आए और मेरी जो मैं सोच रही हूँ उसके साथ मैच करेंगे क्योंकि राजस्थानी ड्रेस के साथ में
पहनूंगी मैं, उसके साथ अच्छे से मैच करेंगे। और मतलब उसमें क्या है कि दिखाऊंगी किस टाइप की, मतलब जो मैं पहनते बिलाई है छोटा बड़ा उसमें बीच में लगाने के लिए कलर मैचिंग कुछ चूड़ियां जो भी आपको लगाना है लगा लो बीच में। ये सेफ्टी पिन हो गई और ये मैं इसमें लेके आई थोड़ा बायने वाला सामान जो हम सब जो मिंसते है ना, तो ये चूड़ियां वगैरह पूरा मेकअप का जो साड़ी मेरे पास रखी हुई है उसके लिए छोटा मोटा सामान बायने में रखा जाता है, मेहंदी बिंदी सिंदूर और मतलब और काफी सारी चीजें 16 श्रृंगार जैसे मिंसा जाता है बायने के लिए वो है इसमें। और दिखाती हूँ बिछिया, ये बिछिया है बिल्कुल न्यू है ये मैंने लेकिन खरीदे नहीं है अभी, ये मतलब मम्मी ने दिए थे पिछले बार भाभी ने मुझे, वो भी जैसे करवा चौथ वगैरह का सामान बायने का मिंसती है तो मम्मी को दे देती है तो मुझे दे देती है मम्मी या कभी मुझे भी दे देती है, तो वो रखे मेरे पास न्यू बहुत और भी 2-3 जोड़ी रखे थे तो मैंने सोचा इन्हें को पहनूंगी खरीद के नहीं लाऊंगी, मैं वन पेयर ही मतलब सिंगल पेयर ही यूज करती हूँ। और ये पायल भी पहले से ही रखी हुई थी ये भी नहीं लाई हूँ मैं खरीद के, न्यू है ये एक बार मैंने डाल ली है तो बस ये चीजें तो मैंने खरीदी ही नहीं है इनको पहनने वाली हूँ। और भाई अब बारी आई दिखाती हूँ इसमें क्या है ज्वेलरी की, तो ज्वेलरी ज्यादा नहीं राजस्थानी ड्रेस के साथ जो भी गियर करूंगी ज्वेलरी सारी मतलब ज्यादातर आर्टिफिशियल रखती हूँ नॉर्मल में जो छोटी मोटी ज्वेलरी है ये तो पहुंची है आप लोग जानते होंगे ये वाली पहनूंगी उसके साथ में। ये नथ है अभी कुछ दिन पहले मैंने मंगाए थे आप लोगों को दिखाए होंगे इसको पहनूंगी, ये गले का हो गया एक जिसको आड़ बोलते मिनी आड़ वो है, ये वाली गोल्ड वाली ज्वेलरी नहीं है आर्टिफिशियल वाली ज्वेलरी है वो, बाकी चीजें मैं घर में रखी हुई रहती हैं तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल वाली रखती हूँ कभी भी पहनने के लिए, कुछ चीजें रखती हूँ गोल्ड की साथ में छोटी मोटी लेकिन बाकी सब घर में रखा हुआ। ये माथा जो सीस फूल बोलते हैं ना वो यहाँ पे पहनने का, तो ये मेरा सीस फूल हो गया। और रखड़ी तो मैं मतलब गोल्ड की यूज करती हूँ, ये रखड़ी हो गई ये रिंग, और ये तो इसमें गोल्ड का सामान है छोटा मोटा मंगलसूत्र वगैरह वो सब बाकी चीजें। और क्या है इसके साथ बाजू, ये बाजू है पहनने के लिए तो पूरा पहनते जैसे करवा चौथ पे सारी चीजें पहनती हूँ तो इनको भी पहन लेती हूँ, राजस्थान ड्रेस के साथ पहनती हूँ अगर साड़ी पहनती हूँ तो नहीं डालती हूँ। फिर ये बाजू मैंने अभी बाजू और ये कुछ चीजें मैंने अभी थोड़े दिन पहले ली थी फरवरी के टाइम में, तो ये वाले बाजू है ये इसकी लूम है। और इसमें है एक गले का और है सेट, ये वाला छोटा सेट है जिसको कभी कभी कपड़ों के मतलब मेरी ड्रेस पहनती हूँ या साड़ी किसी के साथ भी, इसके इयररिंग्स है ये वाले और ये गले का है छोटा सा है काफी सुंदर है पिंक कलर का, तो ये पहनने वाली हूँ। और अभी फाइनली आपको दिखाऊंगी मेरी ड्रेस, इसमें 2 पोटली हैं ये मैंने खरीदी थी, ये राजस्थानी ड्रेस के साथ ही लेती हूँ मैं इनको, एक ये है और ये है, पर्स तो काफी सारे मेरे पास में हैंडबैग्स, किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी आपको मेरे कितने मतलब अलग अलग टाइप के हैंडबैग है मेरे पास में सारी चीजों की, तो आपके साथ शेयर करूंगी कितने टाइप के किस किस टाइप के किस किस कंपनी के पर्स है, बहुत अच्छे अच्छे पर्स है मेरे पास। तो ये एक ये है ये मैंने मेहरून और गोल्डन लिली की सभी के साथ चली जाती है तो मुझे जरूरत पड़ती है, तो ये ऐसे नॉर्मली मैंने ली है लोकल मार्केट से लेकिन देखने में काफी सुंदर है और ये हैंड वर्क हो रखा है पूरा इस पे तो काफी अच्छी लगती है, ये मशीन वर्क है इस पे हैंड वर्क है बहुत ही प्यारी है ये। अब
अभी दिखाती हूँ ड्रेस आपको। एक तो ये वाली ड्रेस तैयार की है मैंने, वो शेयर किया है ये कि मैंने सिलवाई है, लेकिन अभी करवा चौथ के लिए मैंने तैयार किया है ये। मतलब मैं गई थी जयपुर तब सिलवा के लाई थी, मैंने बताया था दिवाली तक के लिए 4-5 ड्रेस मैंने राजस्थानी वाली तैयार कर ली है। तो ये मेरी ड्रेस है, ये इसकी ओढ़नी है येलो और रेड, और ये इसका लहंगा है। तो पक्का नहीं है, एक तो ये है मैंने मतलब तैयार की है, जो देखती हूँ इसको पहनती हूँ या कोई दूसरी पहनती हूँ और भी दिखाऊंगी। ये देखिए, और दूसरी दिखाती हूँ, ये है एक ड्रेस। ये तीन ड्रेसें रखी हुई है मैंने, इनमें से एक ड्रेस पहननी है मुझे, देखूंगी कौन सी। एक ये वाली है ये, और इसके साथ ये ओढ़नी आप ये मल्टी कलर में लहरिया है तो इसको साथ अच्छे से वेयर कर सकते हो, और इसके साथ मैंने कॉटन की ओढ़नी भी ले रखी है, तो जैसी भी आप पहनना चाहो वैसे पहन सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर है ओढ़नी में, तो अच्छे से इसमें मैच कर रही है ये, और लहंगा तो इस टाइप का ही वाला। ये देखिए, ये इसका लहंगा है, ओढ़नी हो गई और ये कुर्ती वगैरह हो गई। एक ड्रेस और दिखा देती हूँ आपको, ये वाली, इस पे थोड़ा बनारसी जैसा वर्क है, मतलब बनारसी लुक में है ये। ये भी अभी बनवाई थी, ये तो इसकी ओढ़नी है, ये डबल शेड में दी हुई है, कॉटन की ओढ़नी है, ग्रीन और मैरून, कुछ ग्रीन है ग्रे टाइप का, लाइट और डार्क दोनों है। ये इसके कुर्ती और काफली, और ये हो गया इसका लहंगा। ये भी बहुत अच्छी लगेगी, ये है, इसे भी पहन सकती हूँ इसके साथ। दूसरी मैरून कलर की ओढ़नी कॉटन जैसे चुनरी वगैरह होती है वो भी ले सकते हैं, तो उसको भी पहन सकती हूँ। इनमें से देखती हूँ कौन सी पहनूंगी, तीनों में से पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी कौन सी पहनी है मैंने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैं करवा चौथ मेरी यहाँ पे नहीं होगी, मैं जाऊंगी यहाँ से ननद के यहाँ जयपुर, उनके यहाँ फंक्शन है तो वहीं पे पड़ेगी, क्योंकि दूसरे दिन ही फंक्शन है उनका, तो वहीं पे जाना पड़ेगा पहले से मुझे। और ये सारी चीजें मेरी हो गई, और अभी मेहंदी वगैरह तो उसी टाइम लगाऊंगी। और आप लोगों को कैसी लगी, और एक चीज और बताने वाली हूँ अभी मैं, कि अभी मतलब कल हमारा मतलब करवा चौथ सेलिब्रेशन है, जिसमें सब लोग मिलके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, मतलब फास्ट नहीं है किसी का भी, कल तो करवा चौथ है ही नहीं, तो पहले से सेलिब्रेट किए, क्योंकि फास्ट वाले दिन क्या होता है कि हम लोग मतलब खाना वाना नहीं खाए हुए थे, पानी भी नहीं पीते कुछ लोग ऐसे, मैं भी नहीं पीती, तो वीकनेस आती तो डांस वगैरह नहीं कर पाते, तो हमने सोचा कि सब लोग मिलके पहले मतलब सारे लोग जितने भी हैं सोसाइटी के सब लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, पूरा पूरा मतलब हमने थीम रखी करवा चौथ, पूरा उसी पे मतलब सेलिब्रेट करना है, पूरा अच्छे से सब लोग तैयार होके आएंगे। आप लोग देखना, मैं वीडियो डालूंगी उसकी भी, और बहुत ही सुंदर पूरे मतलब डांस होगा, और जो भी मतलब सारा कॉम्पिटिशन होगा, मतलब सब लोग तैयार होके आएंगे, कौन कितना अच्छे से, मतलब कुछ लोग ऐसे जो तैयार होके आएंगे करवा चौथ के ऊपर ही थीम पे एकदम, बाकी सब भी करवा चौथ थीम पे होके आएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उसके लिए, और स्किट होगी, एक ड्रामा भी होगा, तो बहुत मजा आने वाला है, वो वाली वीडियो भी आप लोग देखना। तो ये वाला मेरा पूरी तैयारी होगी, और करवे वगैरह तो वहीं पे मैंने उनको नहीं लेके आई, मैंने उनको बोल दिया, क्योंकि यहाँ से ले जाने में रास्ते में थोड़ा टूटने फूटने का डर रहता है, बाकी पूरा अपना वह छोटा मोटा बाकी सामान और कुछ जो बच गया है वो भी और ले आऊंगी, तब तक जाऊंगी तब तक जो भी छोटा मोटा और एक दो आइटम है, और जो ऑलरेडी मेरे पास था पहले से बाकी चीजें वो नहीं लाई, जैसे चूड़ियां बहुत कम लेके आई हूँ,
और कुछ जो रखी है और जो व्हाइट चूड़ा होता है जिसको हम लोग बिलाइया बोलते हैं वो पहनती हूँ इसके साथ में। बीच बीच में कलर वाली लगाती हूँ और कांच वाली लगाती है, तो सारी चीजें मेरे पास रखी हुई है। फालतू में जो चीज नहीं है वो मतलब रखी है वो नहीं लाना है किस लिए। और ये पायल भी छह भी मैं हर बार नई नहीं लेती हूँ जब मेरे पास होते हैं, तो किस लिए पैसे वेस्ट करना है ज्यादा, जितनी जरूरत उतना ही खर्चा करना है। तो ये चीजें मेरी आप लोगों ने देख ली कितना मैंने मतलब सामान लेके आई और कितना पहले से रखा हुआ है क्या पहनने वाली हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा सामान कैसा लगा, कुछ चीजें जो भी पसंद आई, मेरी ड्रेस जो भी तीनों ड्रेस में से जो भी मेरी ज्वेलरी है वो या और बैंगल्स वगैरह जो भी पसंद आया, मेरी बैग्स वगैरह, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना किस टाइप का लगा आप लोगों को, अच्छी लगी है जैसी भी लगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।